सो गाइस, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपको देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट करके सर्च कर देना है। सो गाइस, यूपी बोर्ड रिजल्ट ही लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सर्च वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिलेगा यूपी रिजल्ट डॉट एन आई सी डॉट इन का, तो सिंपली सबसे पहले वाले ऑप्शन उत्तर प्रदेश रिजल्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आज गाइस आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट कैन आल्सो बी सीन फ्रॉम सर्वर लिंक वन। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि रेड कलर में यहाँ पर है, तो सिंपली गाइस आपको करना क्या है, इसी वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस एक और ऑप्शन शो होगा आपको, दूसरा सर्वर का यूपी बोर्ड रिजल्ट कैन आल्सो बी, सो गाइस उस पर से भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप यूपी बोर्ड रिजल्ट कैन आल्सो बी सीन फ्रॉम सर्वर लिंक वन, तो पहले वाले पर आपको सिंपली और सिंपली उसी पर क्लिक कर देना है। गाइज जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शन होगा, तो मैं एक्चुअली हाई स्कूल का देखना है, तो मुझे मैं हाई स्कूल पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली और सिंपली आपको जो रोल नंबर का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको एक कैप्चा मिलेगा ऑनलाइन जनरेट हुआ हो, तो आपको सिंपली उसको वहाँ पर नीचे डाल देना है, जो लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें तो वही आपको सिंपली 16934 लिख लेना है। आपको ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, नीचे आपको अपना कैप्चा डाल देना है। इसके बाद जैसे ही आप गाइस आप सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा रोल नंबर मुझे याद नहीं है, रोल नंबर नॉट फाउंड यहाँ पर बता रहा है, तो सिंपली गाइस आप अपना जो आपको रोल नंबर आपका याद है उसको आप डाल करके बिल्कुल और बिल्कुल एकदम आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। सो गाइस आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।